वर्ल्ड कप का 22वां मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग के लिए बुलाया। भारतीय टीम को ओपनर रोहित और राहुल ने शानदार शुरुआत दी। 46.4 गेंदों के बाद भारतीय टीम 4 विकेट पर 305 रन बना चुकी थी और 350 के पार जाती हुई दिख रही थी, लेकिन फिर बारिश आ गई। आई गई वाली बारिश थी, मैच फिर से शुरू हुआ। 47वां ओवर करने के लिए आए मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर, प्राइम बॉलर। ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान विराट कोहली 77 रन बनाकर खेल रहे थे। आमिर ने एक बाउंसर डाली, बॉल पर कोहली ने हुक शॉट खेलना चाहा, लेकिन बॉल बैट के बहुत नजदीक से विकेटकीपर सरफराज अहमद के हाथों में गई। आमिर के साथ कई खिलाड़ियों ने अंपायर से कोहली को आउट देने की अपील की। अंपायर ने हां में सर तो हिलाया, लेकिन आउट करार देने के लिए उंगली नहीं उठाई। इतने में कोहली खुद ही पवेलियन की ओर चल पड़े। कोहली को जाता देख अंपायर ने उन्हें आउट बता दिया अपनी उंगली उठाकर। बाद में जब रिप्ले देखा गया तो दिखा कि बॉल तो कोहली के बैट से बहुत दूर थी। फिर अल्ट्रा एच के जरिए देखने पर पता चला कि बैट और बॉल में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। पवेलियन लौटने के बाद जब कोहली को यह बात पता चली तो ड्रेसिंग रूम में वो काफी नाराज भी दिखे। वो ड्रेसिंग रूम में अपने बल्ले को हत्थे से हिलाते हुए देखे जा रहे थे। वो उससे निकलने वाली आवाज सुन रहे थे। मालूम हुआ कि वो उसी आवाज को सुनकर पवेलियन के लिए चल पड़े थे। असल में उनके बल्ले से बॉल नहीं लगी थी, बल्कि बल्ले का हत्था कुछ लूज हो गया था और जब उन्होंने उसे घुमाया तो उससे आने वाली हल्की सी आवाज को कोहली ने गेंद के बल्ले से छूने की आवाज मान ली और वो लौट पड़े। विराट कोहली ने इस मैच में 77 रन की पारी खेलकर वनडे मैचों में 11,000 रन पूरे कर लिए। कोहली ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे तेज बैट्समैन बन गए हैं। कोहली ने 222 इनिंग्स में 11,000 का आंकड़ा पार किया है, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सचिन ने 11,000 रन पूरा करने के लिए 276 पारी खेली थी। कोहली को 11,000 रन तक पहुंचने के लिए 57 रन की जरूरत थी। वनडे मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में कोहली 9वें नंबर पे हैं। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो 11,000 रन पूरे करने वाले वो तीसरे बैट्समैन बन गए हैं। इंडिया के स्कोर का पीछा करने के लिए जब पाकिस्तान की टीम उतरी तो शुरुआती आधी इनिंग्स में ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल इंतजार कर रही है और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा उलटफेर कर देगा। लेकिन फिर कुलदीप यादव ने 24वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट लेकर वो बांध खोल दिया, जिसने एक के बाद एक विकेट्स गिराने शुरू कर दिए। एक मौका ऐसा भी आया जब हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक के विकेट्स लेकर एक के बाद एक लेकर खुद को हैट्रिक के मौके पर ला खड़ा किया, लेकिन पाकिस्तानी कैप्टन सरफराज ने उनकी अगली गेंद ब्लॉक की और पांड्या को हैट्रिक लेने से रोका। तो ये मामला था कोहली के विकेट का। मेरा नाम है केतन, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप पर वर्ल्ड कप से जुड़ी कवरेज रनबाज। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, गूगल प्ले स्टोर से दी लल्लन टॉप की ऐप जरूर डाउनलोड करिए और देखते रहिए dlallantop.com।